गाइस वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड टाइम हो रहा है इस टाइम 11:10। गुड मॉर्निंग। और काम ऑलमोस्ट डन है। लंच के लिए सब्जी बना दी है, घिया चने की दाल जैसे मैंने आपको दिखाया। और सबका ब्रेकफास्ट डन है, बस मैं यहाँ पर ना मैंने कहा पहले मैं सारे काम खत्म कर दूँ। मेरे से सुबह सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है, तो मैंने इस टाइम राइस, जो रात के राइस जैसे, और बढ़िया की सब्जी आपको मैंने जैसे कल दिखाया ही था कि मैंने वो बनाई थी, तो ये बचे हुए थे, यही मैंने गर्म करके मिक्स करके ले ली है कि मैं ये करती हूँ, बाकी आगे के काम करूंगी। रमनूर की अभी क्लास चल रही है तो उसको भी देना है खाने के लिए, उसने दूध लूप्स लिए थे एंड देन वो क्लास अटेंड करने चलेगी। एंड वो आज बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड है। उसके दो रीजन है। फर्स्ट, जैसे आपको पता है कि आज हमें जाना है बर्थडे पार्टी में। याश्वी की जो लिटिल सिस्टर है उसका बर्थडे है, मान्यता का फर्स्ट बर्थडे है, तो बच्चे उसके लिए एक्साइटेड है। सेकंड जो चीज है, रवनूर का ही नाम लिया और वो आ गई। सेकंड चीज ये है कि आज उसका फाइनल डे है। आ जाओ, फाइनल डे बोल रही हूँ, लास्ट डे है। समर वेकेशन बिगिंस होने वाली है, हो चुकी है समझो, आज लास्ट डे है, लास्ट क्लास है। तो शी इज वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड हो। तो अब आप करने के आए थे सामने, तो आ जाओ। एक्साइटेड हो? सो चलो जाओ, फिर घूम क्यों रहे हो? बस थोड़ी देर रह गई, 20 मिनट्स रह गए क्लास के लिए। सो चलिए, तो ये थी अभी तक की अपडेट। अभी मुझे मार्केट जाना है, मार्केट में गिफ्ट सबसे बड़ी जो मेन है, गिफ्ट लेने जाना है। बच्चों को छोड़ के जाऊंगी बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ब्रेकफास्ट करती हूँ, इनको दूंगी, छोटे मोटे काम निपटा के फिर मिलती हूँ आपसे। देखा गाइस, रवनूर का एक्साइटमेंट लेवल ये देखो। नाचो 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 नाचो, अब क्यों शर्मा रहे? नाचो नाचो नाचो। सो चलिए, हर किसी को छुट्टी, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे। नहीं जी, ऑनलाइन लीना मैम से नहीं पढ़ना पड़ेगा, समर वेकेशन के बाद दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा। चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ इस टाइम मार्केट जाकर आती हूँ, दोनों बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, बिकॉज टाइम इस टाइम 12:30 का हो रहा है, 12:30, 1, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी। सो मैं मार्केट जाकर आती हूँ, चलिए। सो हे गाइस, अभी मम्मा गई हुई है और मैं यहाँ रूम में बैठी थी और पता नहीं मम्मा कब आएगी, मेरे ख्याल से आने वाली होगी। और मैं यहाँ बैठी थी, मम्मा को इतना परेशान करिए कि मैं बता नहीं सकती और क्या बोलू मैं। और पापा सो चुके हैं, अब तो बस मम्मा का ही वेट है, मम्मा आए उसके बाद मैं मम्मा को सब कुछ बताऊंगी, वो कितना परेशान कर रही है मुझे। तो चलो मिलते हैं आप सब। गाइस, मम्मा मार्केट से आ चुकी है और यहाँ मम्मा बना रही है हरी मतलब चटनी। और यहाँ पर मम्मा ने पुदीना लिया है और मम्मा बताओ क्या लिया? और पुदीना लिया है, धनिया लिया है, यहाँ पर मैं अम्बी कट करके डाल रही हूँ, ठीक है। और गाइस, मम्मा ने अम्बी डालने से पहले पुदीना और धनिया धो लिया है अच्छी तरह से। चलिए गाइस, आगे कंटिन्यू मैं करती हूँ। क्या वो कहती चटनी की रेसिपी दिखाती हूँ और खुद भाग गए कि मम्मा खुद ही कर लो। सो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, पुदीने में मैं धनिया जरूर डालती हूँ, अंबी ले ली है, एक हरी मिर्च मैंने डाल ली है। अंबी नहीं होती तो समटाइम्स मैं इमली जो होती है इमली को भिगोकर रख देती हूँ तो वो डाल लेती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी प्याज, डालने के बाद मैं डाल रही हूँ 3 से 4 कलियां लहसुन की, ये भी मैं जरूर डालती हूँ पुदीने की चटनी में। और बस अब मैं डाल दूंगी सॉल्ट, लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च एक डाल दिया, और उसके बाद मैं डालूंगी चीनी, दैट्स इट। और अब हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, और इसका ना अभी यहाँ पे आपको कलर नहीं आ रहा है, इसको मैं डब्बे में निकाल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा कलर आया है। अगर आप धनिया डालकर बनाते हो ना तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। सो ये देखिए कितना अच्छा कलर। सो इस टाइम मैं करवा रही हूँ एक नूर का हेयर वॉश, और अब नूर का मैंने हेयर वॉश करवा दिया और इस टाइम वो ही शूट कर रही थी। तो बच्चे कहते हैं कि हमें रात को पार्टी पे जाना है तो पोनी टेल करके जाना है, पोनी करके जानी है, तो बाल बड़े ऑयली ऑयली से हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी समर्स है, समर्स में हफ्ते में 2 बार तो हेयर वॉश करने ही पड़ते हैं बिकॉज पसीने आ जाते हैं, ऑयली ऑयली से बाल हो जाते हैं। तो अब वैसे भी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में तो अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो हफ्ते में 2 बार तो हेयर वॉश होगा ही गर्मियों में। सो बस उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करूंगी एंड देन उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने। सो चलिए। गुड इवनिंग गाइस, चाय वगैरह पी ली है और टाइम हो चुका है 5 o'clock, और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि मामा हमें रेडी कर दो जाना है, मामा चले रेडी कर दो। इग्नोर बार बार मामा चले, वो तो दोपहर से सुबह से ही मामा चले, मामा कब जाना है, मामा चले। तो मैं कॉल कर रही थी, मैंने कहा पूछ लूं कि भाभी वगैरह कब तक पहुंचेंगे, ऐसा ना हो कि हम पहले पहुंच जाए वो लेट। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको। मैं ये पूछ रही थी कि आप एग्जैक्ट किस टाइम पे पहुंच जाओगे। हेलो हेलो, हाँ जी भाभी, हाँ मैं वही पूछ रही थी कि आप कब तक पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे ना 7:30 तक। मैंने कहा ऐसे ना हो कि मैं पहुंच जाऊं बच्चे लेके और आप लोग लेट पहुंचो। इस टाइम हम रेडी होने लगे हैं और मैंने मुंह धो लिया है, और हम आपको मिलेंगे रेडी होने के बाद। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और एक नूर पापा के साथ नीचे चली गई। सो यस गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और बस निकल रहे हैं। ये है सूट की लुक, और ये रही रवनूर, मैं दिखाती हूँ। सो ये है रवनूर की लुक, ठीक है, ये जो कल ड्रेस लेकर आई थी। बस अभी हम पहुंच जाएंगे। सो गाइस, बारिश हो चुकी है और हम निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:14, और इग्नोर मैं दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो पापा जी के साथ निकल गई थी तो हम दिखा नहीं पाए उसे। सो ये देखिए इग्नोर की प्रॉपर लुक, आपको अभी समझ नहीं आएगी, हाय कर दो, हाय। सो वो मैं वहां पे जाके दिखाऊंगी। सो बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज ये वाला व्लॉग जो है वो सुबह से स्टार्ट है, वहां जाके हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखना जरूर आगे का, आपको बर्थडे पार्टी का अंदर का नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा मिलेगा। सो चलिए बाय कर दीजिए। हाँ जी, और मानवता को भी दिखाएंगे। हाँ जी, मानवता भी दिखाएंगे, उसका बर्थडे भी दिखाएंगे, बट इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। गिफ्ट तो हम दिखा नहीं पाएंगे। हाँ जी, उसका गिफ्ट दिखा दो रवनूर, ऐसे ही दिखा दो। नहीं नहीं ऐसे ही दिखा दो बस, इसमें उसके लिए गिफ्ट है। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, यस बाय।